सो राजस्थान के रेगिस्तान में आपका स्वागत है और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। आज फुल मून है और हम यहीं कैंप साइट लगाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये आपका घर है? हाँ। तो आप यहीं रहते हैं? हम यहीं। ओहो, इतनी धूप में कैसे रहते हैं? पीछे देख रहे हैं, वही हमारा पैलेस है। पाकिस्तान अपना टैंक छोड़ के चला गया, तब इसने जैसलमेर से उड़ान भरी थी और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। आपने अभी मेरे होस्ट से नहीं मिला है ना, मेरे सीएस के होस्ट है दिलबर भाई, तो ये देखिए इनको मिल लीजिए, यही हमको पूरा सब कुछ विजिट करवा रहे हैं सैम विलेज में। होटल दिलबर सफारी में आपका स्वागत है। दिलबर भैया ने मुझे तो होस्ट किया है सीएस की वजह से, पर दिलबर सफारी उनका होटल है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उनका नंबर मैं नीचे डाल दूंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, तो चलो चलते हैं। हाय एवरीवन, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट शर्मिष्ठा और अभी मैं जा रही हूँ सैम विलेज और मेरे साथ स्पेन और मेक्सिको के और गेस्ट हैं जो भी हमारे साथ आ रहे हैं और दिलबर भाई हमको लेके जा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। कड़कती धूप में सुवर्ण किले के रोड से हम पास हो रहे हैं और सुवर्ण नगरी जैसलमेर से होते हुए हम सैम जाएंगे। सैम में डेजर्ट है, डेजर्ट में बहुत सारा फन करने वाले हैं। और ये है रोजर। हाय, हेलो। ये भी हेलो, ये भी स्पेन से है और मेक्सिको से है ये, और ये है हमारे दिलबर भाई। सो वीडियो को अंत तक देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हमने समझ जाने के लिए रेगिस्तान का रास्ता पसंद किया था। जिन विदेशी लोगों के साथ मैं जा रही थी उन्हें सिर्फ 20 मिनट पहले ही मिली थी। अनजाने लोगों के साथ मैं निकल पड़ी हूँ रेगिस्तान में, तो मेरा ये साहस मुझे कहाँ लेके जाएगा ये तो वीडियो में ही पता चलेगा। Yes! Yes! अभी हम जीप सफारी कर रहे हैं डेजर्ट में। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. सम डेजर्ट में डेजर्ट सफारी कैसी होती है जी, तो कितना मज़ा आया है वो मेरे हिलते डुलते वीडियो में आप देख सकते हो। खास से कैमरा पकड़ा हुआ था और बहुत ही मुश्किल था, बट मैं सोचा कि आपको बता दूं कि ये कितना एडवेंचरस होता है, तो वीडियो बना लिया। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती है, कैमल राइड होती है, जीप सफारी होती है, बाइक राइड भी कराते हैं, उसके अलावा पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो अलग अलग एक्टिविटी काफ़ी है करने के लिए। तो अगर आप जैसलमेर घूमने आते ना तो एक नाइट आप सैम विलेज के लिए रखिए। सैम विलेज में बहुत सारी एक्टिविटी होती है और कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। तो आज का शेड्यूल तो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो दिलबर भाई बोला चलो हमने चल दिया, ज़्यादा सोचा नहीं है, तो अभी हम पहुँच गए। चाय बन रही है अंकल जी? चाय। अच्छा बताया दिलबर भैया आज का क्या शेड्यूल है? अभी हम चाय बना रहे हैं और बाद में खाना वाना बनाएंगे। हेलो, सोएंगे, तारे देखेंगे, फुल मून है। ओके, माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर फ्रॉम स्पेन। ओके, नाइस गाय, मोर हैंडसम गाय इन स्पेन। अंकल जी आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम इशाक। इशाक, जैसलमेर इसी के दादा ने बताया था ये नहीं? नाम है रोशन। रोशन तुम बकाने का मास्टर नाम है। ये आपका घर है? हाँ। तो आप यही रहते हैं? हम यही। ओहो, इतनी धूप में कैसे रहते हैं? धूप कहाँ है? धूप में कहाँ है, इधर एसी है ना? एसी अंदर यहाँ लगाइए एसी। नॉन एसी आपका एसी वाला घर देखते हैं? वाला घर देख लो, और से येलो लगोड़न जैन धर्मशाला।
वो रही हमारी गाड़ी और ये रहे हमारे ऊंट। उस तरफ देखो मून आ चुका है मस्त वाला और इस तरफ सनसेट हो रहा है। सनसेट के बाद हम फिर से रात को जीप सफारी के लिए निकल पड़े। फुल मून में ये अनुभव बहुत ही अद्भुत था। मजा आया भैया? मजा आ रहा है बहुत। बहुत मजा आया। सनसेट हो चुका है और सनलाइट जा चुकी है और दूसरी तरफ फुल मून है। उस तरफ देखिए, इस तरफ ये हमारा कैंपिंग चल रहा है। ये चाय, रोजर हिंदी सीख रहा है। रोजर कितना सीखे? हाँ हिंदी। रोजर स्पेन से है, वो हिंदी सीख रहा है। हिंदी 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 में रोजर इतना नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत। समथिंग समथिंग बहुत गरम है। मसाला चाय वेरी वेरी गरम। गलत, बहुत पुराना। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। इतनी तेज रोशनी तो नहीं है। खाना बस आ गया है, रोटी चावल सब्जी, मेरे लिए वेज है। गुड मॉर्निंग, डेजर्ट में हमारी सुबह हो चुकी है। पीछे देख रहे हैं वही हमारा पैलेस है राजस्थान में। यही सोए थे मैं, रेजिना, रोजर और अभी एक रोजर का फ्रेंड, वो तो सो ही रहा है। सी तो आपको बहुत सारे सवाल होंगे कि वॉशरूम कहाँ जाए, क्या किया। तो नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि हमने कोई रिसॉर्ट वगैरह नहीं बुक करा है। हमने सोचा था कि हम एक बड़ा सा टेंट लगाएंगे और रेगिस्तान के बीचों बीच और वहीं से बस हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वही किया है तो हम लोग यहाँ आ गए और ये जो देखा टेंट वही लगाया है और बस यही कहीं झाड़ियों में पीछे आपकी दैनिक क्रिया कर सकते हैं। आप भी हमारे जैसे करना चाहते हैं तो, और मस्त इसे इस तरफ से बैठ के सनराइज एंजॉय कर सकते। इधर से हमने सनराइज देखा है और कल यहाँ से हमने सनसेट देखा था। ये हमारे इशाक अंकल मैगी बना रहे हैं। आज क्या है ब्रेकफास्ट में अंकल? मैगी है, ये अपना ब्रेड है। ओके, चाय, बिस्किट। वो कल भाग गया था, वो आया? हाँ, उनको रात ले पकड़। अच्छा, कितने साल का था वो? वो कैमल? हाँ, 6 साल। हमारा कल रात को एक कैमल भाग गया था, 6 साल का है। उसको पूंछ पकड़ लाए। पूंछ पकड़ के कल रात को ही वापस लेके आए। बहुत ढूंढना पड़ा, काफी दूर चला गया था वो ना। दूर चले गया। उसका मन तो होगा पाकिस्तान चले जाने का, उस बेचारे को क्या ही पता। ऊँटने के पीछे भाग गया ना। अच्छा, ऊँटने के पीछे भागा था, इतना छोटा? क्या बात करते हो। फिर पकड़ लाया, पूंछ उसकी पकड़ दी नहीं। अच्छा, कहाँ गया फिर वो? वो झाड़ी के पीछे बांधा हुआ है। पर भैया अभी भी सोए हैं। 9 बज गए, ये देखो ये क्या है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
हैं? आप ऊंट पे नहीं बैठोगे? बैठूंगी। ये वैसे ये ऐसे ही सोए थे पूरी रात रेगिस्तान में। कैमल सफारी मैं और मार्टियन। हेलो हेलो। और आगे रेजिना और रोजा। हाय। तो हम जा रहे हैं रेगिस्तान में, रेगिस्तान के जहाज के ऊपर बैठ के घूमने के लिए। और हमारे कैमल की डोर है रोजर के हाथ में। डेजर्ट से निकल के मैं पहुंच गई एशिया की टॉप 25 में गिने जाने वाले जैसलमेर वॉर म्यूजियम में। अभी हम जैसलमेर के वॉर म्यूजियम पहुंच गए हैं। तो अभी ये हम जैसलमेर वॉर म्यूजियम में आए हुए हैं। यहाँ पे टिकट लगती है 55 रुपीस, उसमें 25 रुपया जो है वो एंट्री फी है म्यूज़ियम देखने के लिए, और बाकी जो पैसा है वो एक मूवी दिखाई जाती है वॉर के रिगार्डिंग उसके लिए है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, पर मैं कैंपस का वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो बहुत ही कम वीडियो बनाएंगी, वो भी सिर्फ चीज़ों के वीडियो बनाएंगी आपके लिए। ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी वक्त पाकिस्तान अपना टैंक छोड़ के चला गया था। लौंगे वाला युद्ध की बात कर रही हूँ, ये वही वॉर में भारत के हिस्से आया हुआ पाकिस्तान का टैंक है। ये 1971 वाले वॉर में जीता है हमने, यही मान लो। तो ये आपको यहाँ देखने मिलेगा, जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए तो वो सब कुछ छोड़ के भागे थे, सिर्फ अपनी जान बचा के, यानी पीठ दिखा के भागे हैं। बस वही टैंक आप यहाँ देख सकते हैं, तो हमारे जीत का ये एक हिस्सा है। इस एयरक्राफ्ट को जो आप देख रहे हैं, फाइटर विमान जो है वो 1971 के युद्ध में बहुत ही उम्दा काम आया था। इसका उपयोग किया गया था 1971 के युद्ध में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये जो डेट थी 5 और 6 दिसंबर, जब लौंगे वाला युद्ध चल रहा था, तब इसने जैसलमेर से उड़ान भरी थी और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे लौंगेवाला में। ये म्यूजियम नापाक इरादों का अंजाम क्या होता है ये बयां करता है। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में हमने पाकिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था ये दिखाता है। फिल्मी पर्दे पर आपने बॉर्डर फिल्म जरूर देखी होगी, वही युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की शौर्य गाथा है यहाँ। यहाँ आप भारत की जीत को न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसे फील भी कर सकते हैं। यहाँ रहा लौंगे वाला हॉल, ये दिखाता है कि कैसे हमारे सिर्फ 120 जवान पाकिस्तान के 2000 जवानों पर भारी पड़े थे। यहाँ रही पाकिस्तानी टैंक, गोला बारूद और तोप जैसे हथियार, ये बताते हैं कि हमारे जवान ने कैसे पाकिस्तान को मैदान छोड़ने पर मजबूर किया था। यहाँ उन शूरवीरों की और युद्ध के समय की तस्वीरें देखी जा सकती है। यहाँ रहा इंडियन आर्मी हॉल, भारतीय सेना का इतिहास दर्शाता है। यहाँ हमारी आर्मी, नेवी और नौसेना का संपूर्ण ढांचा समझने का अवसर मिलता है। यहाँ एक फिल्म दिखाई जाती है जो आपको देश के जवानों पर गर्व की अनुभूति कराएगी। यहाँ रही वॉल पर परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित जवानों के नाम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हर शाम को 5 बजे यहाँ एक लाइट शो होता है, समय मिले तो उससे ज़रूर देखना, जिसकी टिकट अलग से लेनी पड़ेगी। अगर आप जैसलमेर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और समय निकालकर बच्चों को अपने इस गौरवपूर्ण इतिहास से रूबरू करवाइएगा। ये बंकर देख लीजिए एक कैसा होता है। ओके बाप रे, अंधेरा। ये तो वन वे है, अगर कोई अंदर घुस गया तो बाहर तो नहीं निकल पाएगा। मतलब दुश्मन अगर अंदर घुस गया और जवान अंदर है तो उसका बचना उसकी ताकत पर निर्भर करता है। वीरों के शौर्य को सलाम करके मैं पहुंच गई इस खूबसूरत सनसेट देखने के लिए गडीसर लेक। तो मैं गडीसर लेक पे हूँ और ये लेक देखिए, ये लेक बनवाया था गडीसर राजा ने, जहाँ पानी की एक बूंद नहीं होती है वहाँ एक पूरा का पूरा लेक है आज।
और यही लेक से पूरी सिटी को पानी मिलता था। और अभी तो सब लोग सनसेट का टाइम है और सब लोग यही बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मिलेंगे मुझे, मार्टियन, रेजिना और हेलो, यू हैव टू से इट्स एन आर्टिफिशियल लेक। यस, दिस इज आर्टिफिशियल लेक, डोंट फॉरगेट इट, इट्स नॉट नेचुरल। हेलो एंड आल्सो हेलो, तो ये लोग भी मुझे यही मिल गए, मैं घूम फिर के फिर यही आ गई। मैं सोचा कि शाम के वक्त यही जाते हैं और यही बाकी है आपको दिखाने के लिए, तो यही दिखा देती हूँ। रात का भी नज़ारा दिखाऊंगी क्योंकि रात को यही यहाँ बहुत ही अच्छा मार्केट भी लगता है, तो आप कुछ भी अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने रिलेटिव के लिए लेके जाना चाहते हैं सुवेनियर वगैरह तो खरीद सकते हैं। और बाकी शाम एंजॉय कीजिए यहाँ बैठ के, ये चाहे तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग के नॉमिनल चार्जेस हैं। ये करीसागर लेक महारावल गद सिंह ने बनवाया था। ये कृत्रिम लेक में बारिश का पानी इकट्ठा होता था और इसके आसपास 16 मंदिरें भी बनाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा मंदिर हिंगलाज माता का मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर, हनुमान मंदिर देखे जा सकते हैं। उस जमाने में बड़े त्योहार, शादी वगैरह के मौके पर खाना बनाने का कार्यक्रम इसी लेक के आसपास किया जाता था। आज ये खूबसूरत लेक और मॉन्यूमेंट के साथ साथ सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ से आप खूबसूरत सनसेट देख सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ सरफरोश और नन्हे जैसलमेर जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। शाम को यहाँ लाइट शो भी होता है जिसमें आप जैसलमेर और उसके इतिहास को देख सकते हैं। गडीसर लेक में प्रवेश करने के लिए 3 दरवाजे हैं, जिसमें से यह है तीलो की पोल। ये दरवाजा पाकिस्तान की रहवासी और हैदराबाद की डांसर तीलो ने बनवाया था, जो बहुत ही सुंदर थी, जो 6 महीने के लिए यहाँ आकर राजाओं को अपने नृत्य से रिझाती थी। तब एक बार उसने सोचा कि वो जो काम कर रही है वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसने साधु संत और प्रवासियों के लिए यह गेट बनवाया। पर ब्राह्मणों ने इस गेट में प्रवेश करने से मना करते हुए महारावल को इसे तोड़ने की अर्जी दी। ये बात उस नर्तकी को पता चलने पर उसने रातों रात इस गेट पर भगवान की मूर्ति लगवा दी और दूसरे दिन कुछ लोगों से उसकी पूजा करवाने लगी। तो गेट तोड़ने आए लोग वापस गए और महारावल को यहाँ मंदिर होने की बात बताई और इंटरलॉक सिस्टम से बना यह गेट बच गया। तभी नर्तकी ने महारावल को यह भी कहा था कि यहाँ से आपके और मेरे वंशज जाया करेंगे। इस लेक पर गणगौर और दशहरा के ये 2 फेस्टिवल पर रॉयल परिवार आता है, पर वो दूसरे गेट से जाते हैं। आज तक इस गेट से शाही परिवार के वंशज नहीं गए हैं। लेक के आसपास कैफे, स्ट्रीट फूड और शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ का बाजार रात को 8 बजे बंद हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई जगह पर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ये भूतिया गांव है और 6 बजे के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता, कोई मतलब कोई भी नहीं। वर्ल्ड के बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस में से एक है।